नव वर्ष की पावन बेला पर कान्हा की लीला स्थली गोवर्धन धाम में धार्मिक आयोजनों का दौर जारी है। यहां प्रभु श्री गिरिराज महाराज के दर्शन कर श्रद्धालु पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। वहीं इस क्रम में अग्रवाल सेवा समिति वृंदावन द्वारा गोवर्धन के आनेर परिक्रमा मार्ग स्थित गिरवर निकुंज में विशाल छप्पन भोग का आयोजन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच बड़े ही धूमधाम के साथ किया गया। इस अलौकिक छप्पन भोग के आयोजन की शुरुआत अग्रवाल सेवा समिति के पदाधिकारियों ने भगवान श्री गिरिराज महाराज की दिव्य छवि की आरती से किया। वही लीला निधान भगवान श्री गिरिराज प्रभु का नाना प्रकार के हीरा मोती मणिक और स्वर्ण आभूषणों से दिव्य श्रृंगार किया गया, तो वहीं गिरिराज महाराज के सम्मुख गाय के देशी घी से निर्मित छप्पन भोग भी लगाया गया, जिसके दर्शन कर भक्त भाव विभोर हो गए। वहीं छप्पन भोग आयोजन के दौरान ब्रज के कलाकारों द्वारा महाराज लीला का भी आयोजन किया गया। जिसे देख श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। विशाल छप्पन भोग आयोजन में आए श्रद्धालु और आयोजकों ने बताया कि अग्रवाल सेवा समिति द्वारा इस दिव्य छप्पन भोग का आयोजन हर वर्ष किया जाता है, जिसमें सभी लोगों का विशेष सहयोग रहता है। आयोजन किया गया, क्या कहना है? वृंदावन में अग्रवाल सेवा समिति नाम की संस्था है जो रजिस्टर्ड है, और उसी के द्वारा प्रतिवर्ष श्री गिरिराज महाराज में छप्पन भोग अन्नकूट व्यवस्था की जाती है, जिसमें सभी वृंदावन के सज्जनों को निमंत्रित किया जाता है और सब लोग पधारते हैं और बड़े जोर का अन्नकूट और आनंद लेते हैं। बहुत से लोग दो दो दिन से परिक्रमा भी लगा रहे हैं, जिनसे सामर्थ्य पैदल लगा रहे हैं, जिनकी सामर्थ्य नहीं है वो लोग टेम्पू या अन्य वाहनों से लगा रहे हैं। और ये सफल आयोजन में सब हमारे प्रतिनिधिगण भी मौजूद हैं और हमारे संरक्षक विशिष्ट अतिथि विशिष्ट लोग सभी कृपा करके पधारते हैं और ये भव्य आयोजन आप लोगों के सम्मुख हो रहा है। आज ये आयोजन किया गया है, क्या कुछ विशेष रहा है? गिरिराज जी एक ब्रजवासियों की आस्था का केंद्र है। गिरिराज जी के आगे कोई भी विशेष नहीं है। अग्रवाल सेवा समिति वृंदावन द्वारा यह आयोजन जो किया जा रहा है, इसके लिए मैं उनके पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई है। बाकी अगर मानकर ये अगर अग्रवाल सेवा समिति की अगर बात की जाए, तो आप देख रहे हैं कि ब्रज में तमाम जो गाय है और उनकी दुर्दशा जो है, क्या कुछ क्षमति इसके लिए कुछ कर पाएगी आगे चलकर? नहीं, इसके लिए भी योजना है और धीरे धीरे ब्रज में नहीं पूरे देश में ही गायों के लिए बहुत कुछ होने जा रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी, योगी सरकार भी बहुत कुछ करने जा रही है। प्रतिभा जी, अगर आज एक बात की जाए, छप्पन भोग दर्शन की, आपने दर्शन किए होंगे, क्या कुछ बात है? बहुत सुंदर भव्य दर्शन है, जो छवियां हैं एकदम भक्ति भाव एकदम जागृत हो रहा है अंदर से, और जो दर्शकगण है वो भी बहुत ही अच्छे से इसका आनंद ले रहे हैं, सब बहुत सुंदर लग रहा है। बाकी जैसे कि छप्पन भोग के
आयोजन में महाराष्ट्र की प्रस्तुति दी गई है कलाकारों द्वारा, क्या कुछ कहेंगे? महाराष्ट्र वृंदावन में मैंने बहुत सारे राज देखे हैं, ये जो महाराष्ट्र है ये कुछ विलक्षण है, कुछ अलग है, फीलिंग एकदम गहराई में जाकर आ रही है। दूसरे ये प्रॉपर गोवर्धन में हो रहा है तो उसके कारण भी सोने पे सुहागा है, बहुत सुंदर लग रहा है। श्वेता अग्रवाल, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज प्रोग्राम? बहुत सुंदर प्रोग्राम चल रहा है, सुबह से गिरिराज जी का अभिषेक किया, यहाँ पे सब लोगों ने भक्तों ने मिलकर श्रृंगार किया, छप्पन भोग लगाए, बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा से आनंद आ रहा है, अब रास का आनंद लेंगे सब लोग। सुनीता अग्निहोत्री, बहुत सुंदर आज अग्रवाल समिति ने जो यहाँ आयोजन किया है ब्राह्मणों के लिए छप्पन भोग और गिरिराज जी की तलहटी में एकदम स्वर्ग जैसा सुख और आनंद प्राप्त हो रहा है, बहुत सुंदर यहाँ साक्षात ठाकुर जी के आज दर्शन हो रहे हैं, ये बड़े परम सौभाग्य का विषय है और बात है। जय श्री राधे सभी को। मैं क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वृंदावन में इन्होंने ये बीड़ा उठाया है, ये अच्छा कार्य कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि हर साल ऐसा ही कार्य करते रहें।